हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या नायराज ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब एकदम मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखो सुबह सुबह हमेशा की तरह रसोई में यहाँ मैं आंसू साफ कर रही हूँ अपने। मेरे आँख में आंसू आ गए हैं, ससुराल में अक्सर आंसू आ ही जाते हैं ना, तो बस वही मैं बना रही हूँ। एक्चुअली मैं बैंगन का भरता, तो उसके लिए काटे थे मैंने प्याज। चॉपर का यूज़ किया था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है चॉपर मेरे लिए, जल्दी जल्दी प्याज कट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज काटे हैं और उनको अब डाल दिया कढ़ाई में। ये जब तक भुनेंगे तो मैं इसमें साथ ही मटर भी डाल दूँगी ताकि गल जाएं अच्छे से। और यहाँ पे मैंने मटर डाल दिए हैं और ये मेरा बैंगन भुन गया है। और उसके बाद मैं उतार रही हूँ इसके छिलके, गरम गरम में उतार लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। जल्दी जल्दी रहती है अक्सर सुबह, मॉर्निंग में ना जल्दी ही रहता है काम, जल्दी जल्दी हाथ चलाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर ये बैंगन को मैं छील के आराम से उसका प्योर ऐसा बना रही थी। और यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, तड़का मेरा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। मसाले वगैरह जो डलते हैं वो डाल रही हूँ, नमक मिर्च हल्दी। और देखिए यहाँ पर काम हो रहा है हमेशा की तरह, जो काम होता है बैंगन का भरता ऑलमोस्ट बनने वाला है मेरा। और उसके बाद में मैं उतार लूँगी साथ साथ गरम गरम रोटी। तो यहाँ ये गर्मा गर्म रोटी तवे पर सिक रही है फटाफट, इसके पापा वेट कर रहे हैं एक्चुअली अपना ब्रेकफास्ट का। तो मैं साथ ही चाय भी रख देती हूँ ताकि उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, धीरे धीरे चाय बनती रहेगी और साथ में मैं रोटी रख दूँगी उन्हें फटाफट। तो बस देखिए कैसे काम होता है सुबह सुबह। तो ये नाश्ता बिल्कुल तैयार है उनके लिए, रोटी दही और बैंगन का भरता लेके जा रही हूँ। और यहाँ अपने लिए भी अब प्लेट लगा रही हूँ साथ ही, मैं भी साथ ही बैठकर कर लूँगी। यही टाइम होता है जब हम इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हैं, अदरवाइज़ तो कभी कभी टाइम मिलता है एक्चुअली में इकट्ठे बैठ के नाश्ता करने का, वरना तो सब अपना अलग अलग टाइम पर ही कर पाते हैं। और यहाँ उठ गई है, अब नायरा की आवाज़ आ गई है, तो नायरा उठ गई है, अब मैं आई हूँ नायरा के पास। ये देखो आपकी प्यारी नायरा, नायरा आजा। ये कितनी प्यारी है, इतनी प्यारी है जिस तरह से ये करती है नायरा, ये लगता है। सबको बोल दो हेलो, पूछो कैसे हो फ्रेंड, पूछो कैसे हो। और तो बस व्लॉग स्टार्ट हुआ था हमेशा तेरा किचन से ही एज यूजुअल। तो बस अब काम अभी पेंडिंग है, मैंने कहा चलो 2 मिनट हाय हेलो कर लूँ आप लोगों से, तभी कोई बात। यहाँ पर दीदी झाड़ू मार रही है। दीदी कल क्यों नहीं आए थे, कल क्यों नहीं आए थे हैं? नहीं बताओगे? नहीं, अच्छा अच्छा कल सर दर्द हो रहा था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू, खुशबू नाम है दीदी का, ठीक है। नायरा क्या कर रहे हो? ये खेल रहे हो? ये सारी अलमारी ठीक करने वाली हो रही है तेरे कपड़ों वाली। ये देखो नायरा आज कितनी सुंदर लग रही है, नायरा इधर आना। फ्रेंड्स, सुबह के सारे काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये दोपहर का समय है, मम्मी यहाँ पे पपीता काट रही हैं, पपीता लिया था तो वही पपीता वगैरह फ्रूट्स वगैरह थोड़ा सा काट रही हैं। मम्मी काट लेती है तो मैं खा भी लेती हूँ, वरना तो हमारा फ्रूट ऐसे ही पड़ा पड़ा रह जाता है, वेस्ट ही हो जाता है। और उसके बाद तो अब ये है शाम का समय, ये बज रहे हैं इस समय करीब 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ डिनर की। तो अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सांभर डोसा, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ डोसा बनाने की। तो यहाँ पर डोसा बैटर बना के मैं रख रही हूँ, डोसा बैटर मैंने लिया है रवा डोसा, तो उसको मतलब घोल बना के रखना होता है, उसका आधा पौना घंटा आप रखते हैं तभी डोसे अच्छे बनते हैं। और आज मैं आपके साथ सांभर की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि सांभर की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि सांभर मैं कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पर तड़का वगैरह लग गया था ऑलमोस्ट मेरे सांभर को, और आलू भी बॉईल किए हैं मैंने। और ये देखो सांभर में मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प, क्योंकि खट्टापन लाने के लिए इमली का पल्प डालना चाहिए इसमें, तभी टेस्ट आता है। कई लोग डालते हैं कई नहीं, हम तो डालते हैं शुरू से, मैंने देखा है मम्मी डालती हैं। तो यहाँ पर मैं इमली को गला कर उसका पल्प बनाया है और ये छन्नी से छान छान के उसका पल्प सारा सांभर में डाल रही हूँ, बहुत स्वाद बनता है, आप ट्राई करना ज़रूर। और आप लोग कैसे बनाते हैं सांभर मुझे कमेंट में भी बता देना, मुझे भी पता चल जाएगा।
और यहाँ पर तैयारी हो रही है अब डोसे की। तो यहाँ पर मैंने चना दाल, वाइट वाली दाल, वो सब रोस्ट कर ली थी अच्छे से। उसके बाद प्याज भून के इसमें मैं डाल दूंगी आलू और नमक, मिर्च, हल्दी, जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालकर डोसे के लिए आलू तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर ये देखो साथ साथ काम करवा रही है नायरा, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी। ये किचन में आ जाती है तो काम कुछ ज़्यादा ही जल्दी होता है। और ये बस बैटर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखो आलू डाल दिए हैं मैंने, तो डोसा बैटर, डोसे के लिए आलू तैयार हैं। सॉरी, ये बहुत चटपटे बने थे आलू, बहुत स्वाद बने। और ये मैं दिखा रही हूँ कि मतलब गरम गरम लग गया मुझे, और वहाँ पर निशान भी काफ़ी बड़ा बन गया था वो गरम गरम लगने से। और ये देखो डोसा बनाने की तैयारी हो रही है अब, टंटना। तो डोसा मैं बनाने वाली हूँ। ये देखो मैंने लिया है बैटर, पानी और ऑयल। मैं दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या लिया। तो यहाँ पर तवे को अच्छा गर्म करने के बाद उस पर पानी छिड़का है, और उसके बाद ये प्याज से मैंने ग्रीसिंग की है इसकी। ये देखो मैंने प्याज को ना एक फोक पे लगा लिया, मैंने आपको दिखाया था, ये प्याज मैंने एक फोक पे लगा लिया, इजी रह जाता है। और ये मैंने बैटर डाल दिया इस पर, और काफ़ी फैलाना है इसे, मतलब ज़्यादा पतला मत कर देना वरना पता चले कि पलटेगा ही नहीं ये। और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा ये डोसा काफ़ी अच्छा बन गया था, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा बन गया था। अदरवाइज हमेशा तो ऐसे ही होता है कि खराब ही हो जाता है। तो आप लोग इंजॉय कीजिए वीडियो को, ट्यून लगा देती हूँ। डोसा एकदम रेडी, गर्मा गर्म, धुआं भी निकल रहा है, ये देख लो आप लोग। तो बहुत टेस्टी बना है, और डोसा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छा बना है, मतलब खराब नहीं हुआ है फर्स्ट अटैम्प्ट में, वरना और हमेशा यही होता है कि खराब हो जाता है। पर इस बार मैंने वीडियो बनानी थी ना, तो शायद इसलिए खराब नहीं हुआ। तो बस अब मैं करने जा रही हूँ अपना डिनर, और आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए मेरे साथ ही सांभर डोसा खा लीजिए। और सांभर की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप कहेंगे तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो बस इसलिए मैंने सांभर की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है। बाकी डोसा बैटर ये मैंने रेडीमेड यूज़ किया, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला MTR का डोसा बैटर मैंने यूज़ किया है। बना के बैटर बनाकर आधा घंटा मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने यूज़ किया है इसे, और डोसा परफेक्ट बना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सांभर भी टेस्टी है, मैंने टेस्ट कर लिया है। तो चलो मैं चलती हूँ डिनर करने। तो बस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर दी एंड। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आए, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना ज़रूर, और वीडियो फुल वॉच किया करो प्लीज़। आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है मेरे चैनल को उससे, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो, नए ब्लॉग के साथ, कल मुलाकात होगी। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, टाटा।